चैप्टर वन सत्ता की साझेदारी, इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर शेयरिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है कि किस हिसाब से जो पावर है, जो सत्ता है, किस कैसे डिवाइड की गई है, और इनके मतलब अच्छे तरीके से जहाँ डिवाइड करी होगी वहाँ पे जो है मतलब रूल्स रेगुलेशन अच्छे तरीके से चलेंगे, जहाँ पर नहीं वहाँ पे वॉर्स वगैरह हो जाती हैं। तो इस चैप्टर में दो कंडीशन बताई गई है, दो जगह के बारे में बात की गई है, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। अब इसमें बताया जाएगा कि बेल्जियम में किस हिसाब से जो है शक्तियाँ डिवाइडेड गई थी और किस तरीके से जो पावर्स थी कैसे इनको डिवाइड किया गया था। अब बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। कहाँ का? यूरोप का आपके एक छोटा सा देश है, जो अगर इंडिया से अगर उसको कंपेयर करें तो हरियाणा होता है, हरियाणा से भी मतलब काफ़ी छोटा देश है वो, हरियाणा से जैसे अगर स्थान के उससे नापा जाए तो उससे भी ज़्यादा छोटा देश है, और वहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत कम है। जैसे इसकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है, अर्थात हरियाणा की आबादी से भी करीब आधी, जो हरियाणा की आबादी होती है उससे भी करीब आधी, मतलब 1 करोड़ की यहाँ पर आबादी है। तो यहाँ पर किस हिसाब से जैसे लोग हैं कैसे डिवाइड किए गए थे, तो और जिस वजह से यहाँ पर ये सारी जो वोट्स वगैरह हो जाती हैं वहाँ पर। अभी देखो इसमें क्या हुआ था, बेल्जियम में 59% हिस्सा जो है वो फ्लेमिश बोलते थे, यहाँ के जो 59% जो लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? डच। हाँ, जो 59% जो लोग थे यहाँ के लोग क्या बोलते थे? डच भाषा बोलते थे। और जहाँ यहाँ के 40% लोग क्या बोलते थे? यहाँ के फ्रेंच स्पीकर्स थे। और जो 4% लोग थे वो थे आपके यहाँ के जर्मन। तो जैसे इसमें फिगर्स में दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे जैसे जो आपको येलो कलर से वो है फ्लेमिश, मतलब डच भाषी, ठीक है, डच भाषी मतलब फ्लेमिश लोग रहते थे। जो रेड से दिखाया गया है ये वाले आपके वॉलर, मतलब फ्रेंच भाषी यहाँ पे होते थे। जो येलो से है ये आपके डच भाषी, डच लैंग्वेज वाले ये हैं, और जो फ्लेमिश वाले वो ये हैं। तो जो परसेंटेज जो ज़्यादा थी वो किसकी थी? जो डच बोलने वाले लोग क्या थे? 59% थे जो कि ज़्यादा थे, और जो उनसे कम थे वो थे फ्रेंच लैंग्वेज वाले। लेकिन जो यहाँ की जो कैपिटल होती है जिसका नाम है ब्रुसेल, जो कैपिटल थी यहाँ की बेल्जियम की जो कैपिटल थी उसका नाम था ब्रुसेल। ब्रुसेल में जो कैपिटल जिसको कहते हैं राजधानी, उसकी राजधानी में क्या था? उसकी राजधानी में उल्टा था, उसकी राजधानी में वहाँ से उल्टा था। जैसे आपकी जो कंट्री थी बेल्जियम, वहाँ पे ज़्यादातर थे डच बोलने वाले और जो कम थे वो थोड़े से फ्रेंच बोलने वाले थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा गया था, यहाँ पे जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले थे वो थे 80%, और जो यहाँ के डच लैंग्वेज बोलने वाले थे वो थे सिर्फ 20% लोग थे। तो इस हिसाब से, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करा जाए। अब यहाँ पे क्या थे कि भाई फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले क्या है, काफ़ी ज़्यादा थे। अब जो फ्रेंच भाषी बोलते थे वो क्या थे? लोग पॉपुलेशन में थोड़े कम थे, लेकिन वो क्या थे? रिच थे। जो पॉपुलेशन में वो लोग थे तो कम जो फ्रेंच वाले थे, लेकिन वो क्या थे? रिच थे काफ़ी ज़्यादा। और वो जो शोषण टाइप जिसको कहते हैं ना, वो उस तरीके से डच के ऊपर किया करते थे, जो डच के जो मतलब जो लैंग्वेज वाले लोग होते थे। अब इसमें क्या कहा जाता है, और ये अपने आप को ज़्यादातर समृद्ध और शक्तिशाली रहते थे, और जो कभी जैसे कोई भी चीज़ किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना होता था, जैसे कोई भी नई स्कीम और जिसका फ़ायदा देना होता था, जो डच भाषी लोग होते थे उनको कम उस चीज़ का फ़ायदा मिलता था, उनको ज़्यादातर चीज़ों को उनको इग्नोर किया जाता था। अब 1950 तथा 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के मध्य तनाव बढ़ने लगा। अब ऐसे उनको क्या लगा डच वालों के, हमारे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, हम लोगों को अच्छे मतलब सारे तरीके के फायदे नहीं मिल रहे। तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और दोनों के बीच में मतभेद जो है वो हो जाती है, डच भाषी और जो फ्रेंच भाषी लोग थे। इन दोनों समुदायों के बीच भयानक टकराव रूप से ब्रुसेल्स में दिखा, और यह एक विशेष तरह की समस्या थी। अब डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन समृद्धि में कम थे। अब ये देखो, जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो क्या थे? जनसंख्या में कम थे लेकिन समृद्ध थे। लेकिन जो डच भाषी बोलने वाले लोग थे वो पॉपुलेशन में जनसंख्या में ज़्यादा थे, लेकिन वो पूछे अच्छे तरीके से समृद्ध नहीं थे। और लेकिन वो अपना जो फ्रेंच भाषी थे वो अपने तदभाव भी फैलाते थे, डच वालों को जैसे कोई फ़ायदा होता था उनको नहीं मिलने देते थे, ज़्यादातर फ़ायदे वो ले लिया करते थे। इस वजह से उनके मन में ये इस तरीके की फीलिंग जो आ गई, और आनी भी चाहिए थी क्योंकि उनके साथ भेदभाव जो है किया जा रहा था, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें देखा जाएगा जिनकी आबादी कुल, अब इसमें उसमें अकोमोडेशन, अब इसमें बताएगा कि जो बेल्जियम थी उसकी साझेदारी किस प्रकार से की गई। अब जब इन सब चीज़ों के बाद बेल्जियम में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ की जो कंडीशन थी वो अच्छी हो गई, और जो मतलब ये सारे जो विवाद जो थे चलते आ रहे थे वो किस हिसाब से ठीक हुए, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, मतलब बेल्जियम की साझेदारी कैसे हुई। अब यहाँ की जो सरकार थी उन्होंने इतने सारे वाद विवाद के बाद क्या हुआ, यहाँ के चीज़ों में मतलब चेंज लाना शुरू कर दिया, जो यहाँ का जो संविधान था उसमें संशोधन किया, चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में चेंज लाना शुरू किया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान के चार संशोधन केवल इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी के साथ बेगनेपन का एहसास ना हो। अब उन्होंने
अपने संशोधन इस हिसाब से किए, किसी को पावरफुल ज्यादा नहीं बनाया। उन्होंने सोचा कि भाई अब डच और जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो आपस में मतभेद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उन्होंने जो अपने संविधान था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें जो संशोधन जिसको कहते हैं अमेंडमेंट, वो इस वजह से किए थे कि अब अगर संशोधन इस हिसाब से करेंगे कि सारे लोग जो मिल कर रहे हैं और आपस में जो भेदभाव जितना हो रहा है उनको हटा दिया जाए। तो उन्होंने जो चार संशोधन किए थे वो किस प्रकार थे। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मित्रियों की संख्या समान रखी। अब इन्होंने जो लोग जो चुने थे, नंबर जो थे चुने थे इन्होंने केंद्र सरकार के, जिसको कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर इन्होंने चुने थे वो जो डच के और फ्रेंच के दोनों बराबर चुने थे, ताकि ये कोई ये ना कह सके कि ज्यादा या कम है। ठीक है, डच और फ्रेंच भाषी लोगों के जो ने सेंट्रल गवर्नमेंट जो मंत्री चुने दोनों के बराबर रखे। उसके बाद जब लो कोई भी अगर जैसे लो सेकंड पॉइंट क्या, जब कोई भी अगर लो पास किया जाएगा दोनों की सहमति से वो होगा। ठीक है, राज्य सरकार स्वतंत्र है केंद्र के अंतर्गत। अब इसमें क्या हुआ, तीसरा यह था कि जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार को इन्होंने क्या रखा, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रखा, मतलब उसको केंद्र सरकार के अधीन नहीं रखा। ये चीज इसमें बताते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन उन्होंने नहीं रखा इस चीज को। अब इसमें क्या था कि फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये था कि सेपरेट गवर्नमेंट बोथ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। अब इन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई केंद्रीय और राज्य सरकार के अतिरिक्त, यहाँ तीसरे स्तर की जो सरकार बनाई गई, जो तीसरे स्तर की सरकार थी उसका नाम था सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार इन्होंने बनाई जो कि काफ़ी सारी अलग चीज़ों पर फैसले लेते थे, जैसे संस्कृति, शिक्षा और भाषा, इन सब चीज़ों पर, जैसे दोनों दोनों डच और फ्रेंच के लिए इन चीज़ों पर ये फैसले लेती थी, जैसे संस्कृति शिक्षा वगैरह का इन पर फैसले लेती। अभी यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो इनकी जो फैसिलिटी थी, मतलब जो इन्होंने संशोधन किए, जो इन्होंने अमेंडमेंट किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, वो बेल्जियम में बहुत ज़्यादा शांति लेकर आए। जो दोनों थे आपके डच और जो फ्रेंच थे वो काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे थे, उनके बाद विवाद को उसने घटा दिया और उनके बीच में जो इतना मतभेद होता था वो सारा सुलझ गया। ठीक है, ये हो गई। अब इसमें हमने ये देख लिया, तब हम किसके पढ़ेंगे, श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में थी किस हिसाब से पावर डिवाइडेड थी, जैसा ही हाल बेल्जियम में था, पावर जो है थी इक्वल डिवाइडेड नहीं थी, मतलब पावर जो थी बराबर बटी हुई नहीं थी, ऐसा ही श्रीलंका में था। श्रीलंका में भी जो पावर थी, जो शक्ति है वो डिवाइडेड थी, लेकिन बेल्जियम ने अच्छे रूल्स बनाए और अच्छे संशोधन किए जिससे वहाँ पर शांति हो गई। तो हम देखेंगे कि श्रीलंका को और उसे कंपेयर करेंगे और श्रीलंका में देखेंगे कि उन्होंने क्या पॉलिसीज अपनाई, अगर मतभेद हुआ था तो क्या चीज़ें उन्होंने ठीक की थी। ठीक है, अब इसमें देखा जाएगा कि यहाँ पे जो सिन्हाला थी, सिन्हाला जो वो थी आपकी श्रीलंका थी, श्रीलंका में जो 74% लोग थे, जिसको कहते हैं 74% पीपल से, वो कहते आपके सिन्हालीज लोग थे, सिन्हाला स्पीकर, मतलब सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाला स्पीकर थे। ये 74% लोग थे वो थे सिंगली थे, जो कि सिंगली स्पीकर थे। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपका 18% जो लोग थे, 18% लोग थे तमिल्स थे। अब ये देखो 80% लोग थे जो आपके तमिल से, अब इसमें आ जाते हैं श्रीलंकन तमिल और भारतवंशी तमिल। अब ये देखो यहाँ पे रेड वाला और ये वाला ब्राउन वाला दो थे। अब ये दोनों क्या थे आपके 18% जो लोग थे वो क्या थे आपके तमिल्स, 74% थे जो कि सिंगली लैंग्वेज बोलते थे और जो आपके 18% थे जो कि तमिल लैंग्वेज बोलते थे। अब तमिल में से भी डिवाइड था, आधे तमिल जो थे वो वाले तमिल थे जो कि श्रीलंका में ही रहते थे, आधे तमिल वो थे जो कि भारत से श्रीलंका गए थे। ठीक है, इस हिसाब से थे। और जो 7% लोग थे वो थे आपके वो क्रिश्चियंस थे। ठीक है, क्रिश्चियंस थे, 7% पीपल्स आर द क्रिश्चियन, जो कि 7% लोग क्रिश्चियन थे। तो हमने देखा कि ज़्यादातर जो लोग थे यहाँ पे कौन सी परसेंट, कौन से वाले थे जो सिंगली लैंग्वेजेस बोलते थे, तो सिंगली लैंग्वेज जो बोलते थे वो क्या था उनका अपना दबदबा रहता था। ठीक है, ज़्यादातर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं और जो सिंगली भाषी लोग थे वो क्या थे ज़्यादातर बौद्ध को मानते थे और बौद्ध में बिलीव करते थे, जबकि तमिल भाषी लोग में, और जो तमिल भाषी लोग थे उसमें कुछ तो मुस्लिम थे और कुछ हिंदू थे मुसलमान, और श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का 7% हिस्सा था। ठीक है, अब इसमें देखें बेल्जियम में डच, अब बेल्जियम के बाद, अब श्रीलंका में बहुसंख्यावाद, अब ये इसमें देखेंगे कि श्रीलंका में बहुसंख्यावाद किस प्रकार से था। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना और सिंगली संविधान के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन कर दिया। अब देखो 1948 में ये एक इंडिपेंडेंस हुआ, स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा लैंग्वेज किसकी थी, सिंगली की थी। अब ये सिंगली ज्यादा थे लेकिन इन्होंने अपना रूल सा करना स्टार्ट कर दिया, तो मतलब सारी चीजें किसकी वजह से अकॉर्डिंग होंगी, इनके अकॉर्डिंग होंगी। फिर 1956 के बाद 1956 में कानून बना गया जिसके द्वारा तमिलों को किनारे पर धकेल दिया गया। देखो तमिल्स जो थे वो किनारे पे हैं और जो सिंगली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। अब इन्होंने क्या किया, जो सिंगली थी उसको एकमात्र भाषा जो है वो घोषित कर दिया गया। अब इसमें हुआ क्या,
और विश्वविद्यालय और सरकारों सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता। अब जैसे कोई भी नौकरी वगैरह निकल कर आती थी तो उसमें दोनों होते थे, मानो तमिल्स भी होते थे और आपके सिंगली भी होते थे, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाती थी? सिंगली लोगों को। अगर कोई भी नौकरी है उसमें अगर मानो दो तीन नौकरियां हैं और जब सिंगली और उसमें वो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा फिर वो किसको देते थे? सिंगली को देते थे। ठीक है, ये मतलब सारी चीजों में जो प्राथमिकता किसकी रखी गई? सिंगली की। अब धीरे धीरे जो तमिल्स थे उनके बीच में क्या आ गई? नाराजगी आने लगी कि भाई ये तो सही ठीक नहीं हो रहा है, भाई यहाँ पर ये गलत हो रहा है और हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिंगली ना के तो उनकी कल्चर के रिस्पेक्ट करते थे उनको, मतलब ऐसे करते थे मतलब कुछ ये है ही नहीं, और ज़्यादा अपना दबदबा वो रखते थे और किसी चीज़ में उनको पूछते नहीं थे। कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे तो उनसे किसी भी चीज़ में पूछा नहीं जाता, तो इसी वजह से इनके बीच में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है और उनके हित की अनदेखी की जा रही थी। ठीक है, अब इनके रिश्ते क्या हो गए? बिगड़ते चले गए। अब श्रीलंकन तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। अब इन्होंने क्या हुआ? अपनी राजनीतिक पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, जिसमें इन्होंने किसकी डिमांड की? हमें रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलनी चाहिए, है ना, और जो क्षेत्रीय स्वायत्ता और राजभाषा और हमारे भी जो लैंग्वेज है उसको भी राजभाषा बनाने के लिए इन्होंने भी डिमांड की। लेकिन इनकी जब इनकी जो लड़ाई हुई इसमें इनकी सुनी नहीं गई और इनके बीच में 1980 के दशक में मतलब इसमें यहाँ पर क्या हुआ? एक सिविल वॉर हो गया, गृह युद्ध जिसको कहा जाता है। गृह युद्ध मतलब आपसी में जो लड़ाई है वो ज़्यादा हो गई। अब इसमें ये कहानी इसमें दिखाई गई है कि अगर ये भी अपने अपनी मतलब अपनी कंट्री में इस हिसाब से पॉलिसीज लेकर आ जाते, जैसे बेल्जियम लेकर आया था, जैसे शांति की और जो पावर्स थी वो इक्वली डिवाइड कर देते तो यहाँ पर सिविल वॉर नहीं होता। लेकिन इन्होंने पावर्स को इक्वली डिवाइड नहीं किया, जिसकी वजह से जो वहाँ पर सिविल वॉर हो गया और दोनों के बीच में आपसी मतभेद हो गया और वहाँ पर लड़ाई हो गई। तो इसमें देखा जाएगा कि डिफरेंस क्या था, और डिफरेंस हमको यही पता है कि भाई जो बेल्जियम था, बेल्जियम ने अच्छी कुछ एकोमोडेशन मतलब संशोधन किया अपने संविधान में और सबको जो पावर जो है वो इक्वली डिवाइड की। तो इसी चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता की साझेदारी मतलब पावर शेयरिंग। तो पावर्स कैसे डिवाइड? बेल्जियम ने पावर्स इक्वली डिवाइड की, बराबर डिवाइड की, तो वहाँ पे क्या हो गई? शांति। लेकिन श्रीलंकन ने वहाँ पे नहीं की और वहाँ पे क्या हो गई? लड़ाई हो गई, सिविल वॉर, गृह युद्ध हो गया। तो यही चीज़ है पावर शेयरिंग, हमें ये बताता है पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, कि अगर हम इक्वली पावर्स डिवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा? सभी के बीच में इक्वालिटी बनी रहेगी। ठीक है, अब इसमें दिखा जैसे कि ढंग से निपटने की कोशिश की और बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर, और इन्होंने बेल्जियम ने क्या किया? सभी की भावनाओं का आदर किया और सभी के जितने लोग थे उनकी रिस्पेक्ट की। अभी बताया कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, जो पावर शेयरिंग है वो जरूरी क्यों है, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। अब इसमें बताता है कि इससे क्या होता है, पावर शेयरिंग होने की वजह से, पावर शेयरिंग क्या होती है, इससे क्या होगा? सत्ता की साझेदारी से दोनों के बीच में जो आपस में होते क्या होगी, उनके बीच में लड़ाई नहीं होगी। डेमोक्रेसी जो होगी, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी होगा वो रहेगा, वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वहाँ पे रहेगी। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक ठाक है, और इससे क्या होगा, जैसे कि पावर्स को डिवाइड कर दो, जिसके लिए जो काम दिया जा रहा है वो अपने काम को उस हिसाब से अच्छे से करेगा। ठीक है, अब इसमें है कि सत्ता की साझेदारी के रूप कि कौन कौन से होते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें क्या आएगा, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे जो पावर्स हैं जो सत्ता है उसको सत्ता की साझेदारी की जा सकती है, कौन कौन से तरीके होते हैं। अब देखो, अब इसमें होता है कि शासन के तीन अंग, जैसे कि आपने देखा होगा, एक तो होता है कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब जैसे कि बराबर एक लेवल पे। अब जैसे हमने इंडिया में देखो, हमारे भारत में क्या है कि जो शासन है वो तीन लोग पे बराबर, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों क्या है, एक साथ बराबर है। न्यायपालिका ये नहीं कह सकती कि मेरे से वो है जो कार्यपालिका ज़्यादा पावरफुल है और विधायिका ज़्यादा पावरफुल है, तीनों को जो शक्तियाँ इक्वली डिवाइड की गई है, और जो तीनों है वो एक दूसरे के काम को चेक करते रहते हैं, कोई एक गलत करेगा तो दूसरा उसके प्रति आवाज़ उठाएगा। तो ये कहते हैं एक पहला तरीका क्या हो गया, सभी को बराबर शक्तियाँ दे देना, ठीक है, सत्ता की साझेदारी, ताकि कोई दूसरा ये ना कहे कि वो ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया सत्ता की साझेदारी, जैसे इंडिया में किया गया था, कोई अगर एक काम कर रहा है तो दूसरा उसके ऊपर कंट्रोल रखने की कोशिश करेगा। दूसरा है सत्ता के बीच में विभिन्न स्तरों पर सत्ता, मतलब यह कि विभिन्न स्तरों पर पावर शेयर, जैसे वर्टिकल कहते हैं ऊपर से नीचे, जैसे हमारे यहाँ पे केंद्र, राज्य और जो आके आगे जाती है लोकल गवर्नमेंट जाती है, सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ऐसे जैसे केंद्र सरकार आ जाती है, राज्य सरकार आ जाती है, और आपकी जो नीचे वाली नॉर्मल जो लोकल गवर्नमेंट हो जाती है वो आ जाती है, तीनों में। अब इसमें क्या हो जाता है, केंद्र सरकार उसके पास थोड़ी ज्यादा पावर्स है, राज्य सरकार है उसके पास थोड़ी कम पावर्स है, और जो उससे नीचे लोकल गवर्नमेंट उसके पास थोड़ी कम पावर्स है। तो इस हिसाब से एक ये होता है ये वाला तरीका, जिससे क्या हो जाता है कि जो पावर्स है उसको डिवाइड कर दे, जिसको कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें पहले ज़्यादा फिर कम। इसे क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर चीज़ें हैंडल करती है। और दूसरा क्या है आपका, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई धार्मिक समूह के बीच में हो सकता है। तो इसमें क्या था कि जो सत्ता का बंटवारा है वो इस हिसाब से किया गया, जैसे आपने कुछ सेक्शन या कुछ जगह देखी होंगी जहाँ पे क्या है अलग तरीके के लोग रहते हैं धर्म से अलग, तो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ दे देना, जैसे औरतों को थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ दे देना। और कुछ ऐसी जगह होती है, जैसे कुछ ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पर जैसे आपने देखा होगा शेड्यूल ट्राइबल जो एरियाज होते हैं उनको थोड़ी सी, जो आपके जनजाति वाले लोग होते हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा शक्तियाँ दे देना, जिससे क्या होगा उनको भी बराबरी मिले और उनका भी मतलब ये ना रहे कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्या पता भाई इस तरीके से भेदभाव किया जाए तो वो कल वही खड़े हो जाए कि हमको कुछ भी। तो इस हिसाब से जो पावर्स वो डिवाइड जैसे भाषीय और धार्मिक समूह के बीच में हो सकता है, और जैसे सभी के धर्म के प्रति सम्मान रखना। फोर्थ पॉइंट, अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसमें क्या हुआ कि जितने भी जो पावर्स हैं आपकी, जितने भी आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं और जो आपकी कुछ और पावर्स ग्रुप्स हैं उनको भी शक्तियां देना। जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, और जैसे अगर मानो किसी पॉलिटिकल पार्टी में कॉम्पिटिशन ना हो तो भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है वो दबदबा बना के रखेगी, अगर इनको शक्तियाँ ही ना दी जाए। तो इसीलिए जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, राजनीतिक जो पार्टियाँ होती हैं, उनको सभी को शक्तियाँ जो हैं दी हो जाती हैं, ताकि अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी गलत कर रही है तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी उसके अगेंस्ट में बोल सके। तो इस हिसाब से जो है जो पावर्स हमारे इंडिया में और जो इस हिसाब से जो पावर्स है वो डिवाइड करनी चाहिए, यही है सत्ता की साझेदारी के रूप। ठीक है।